इटावा के बिजौली गांव में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने हाईवे का सर्विस मार्ग किया जाम। इटावा के बकेवड़ थाना क्षेत्र के बिजौली निवासी होरीलाल के 19 वर्षीय पुत्र योगेंद्र राजपूत उर्फ लोके का शव उर्मिला पैलेस मैरिज होम के दूसरी मंजिल कमरे में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को देर शाम शव पहुंचते ही परिजनों ने सैकड़ों महिलाओं के साथ मैरिज होम से सर्विस मार्ग पर हत्या के आरोप में शव को रख कर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे भड़तना सीओ अतुल प्रधान ने परिजनों को समझाने का प्रयास करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन मार्ग से सबको हटाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इस दौरान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। क्या नाम है? माधुरी देवी। क्या हुआ है? आपने रोड का घेराव किया है तो? इसलिए घेरा मेरे लाखों कल यहाँ पे रुपया मांगा ना है, 4 साल से काम कर रहे यहाँ रुपया मेरे लला पे यही जमा करते रहे, कई सू दे ले जब घर बने हुए हैं तब। कौन सा गेस्ट हाउस? और मिला में और मिला गेस्ट हाउस है। तो क्या मामला हुआ फिर? तो जहाँ मैं लला मेरे कल रुपया मांगा ना आई है तो इधर 10 बजे पे फोन गाओ कहीं यहाँ ना जाओ लला मेरे खाना खान जाते, लला मेरे ऐसी थरिया छोड़े आए और लला आए मेरे फिर इन लला मेरे को अद्दा तो दू ही भाई लड़ाई और सोई लला मेरे को दो छत्ता पे लिवाए गए अजय ने और विवेक ने और विवेक ने के पिताजी ने मेरे लाल को मार के और कमरा में बंद कर दो। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? आपको मुझे सूचना तब भाई पास जब इन ससुरिया चलत रही छिड़िया वाले नाई चरान बिल्लोगन से खबर कानन कानन पहुंची के योगिंद फांसी लगाए के मर गए। बच्चे को आपने फांसी पर लटके हुए देखा? नहीं नहीं देखा, नहीं देखा। ना फंदुआ देखा बच्चा की नार में हमने, गले में कोई निशान नहीं, निशान मरा का था लाठी का वो है ये दवा, हाँ चोट के थे निशान नहीं फांसी के फंदुआ कोई नहीं तो अकेले निशान वैसे आते। कौन सा गाँव है, कहाँ के निवासी? बिजौली। क्या नाम है दादा आपका? होरीलाल। कहाँ के रहने वाले? बिजौली के। तो क्या हुआ है? हमारे बच्चा को मर्डर हुआ वो साहब। कहाँ पे हुआ है? जी गेस्ट हाउस। कौन सा गेस्ट हाउस है? उर्मिला। तो क्या आपको लगता है क्या घटना हुई? घटना का हमें तो सर जो है जमाल घटना में दुर्घटना करी गई है।